लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बद्रीनाथ धाम के दरवाजे खुलने की तिथि हुई घोषित। इस दिन से आप कर सकेंगे दर्शन। ऋषिकेश, बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आज बद्रीनाथ धाम के दरवाजे खोलने की तिथि घोषित की गई। नरेंद्र नगर राजमहल के पूजा पाठ के बाद ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए तीर्थ पुरोहितों ने दरवाजे खोलने की घोषणा की। बद्री विशाल के दरवाजे 10 मई को सुबह 4:15 पर पूरे विधान के साथ खोले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए तीर्थ पुरोहितों से विचार विमर्श के बाद राजा मनुजेंद्र शाह की उत्तराधिकारी रानी सिरजा ने दरवाजे खोलने की तिथि की घोषणा की। हाँ जी मैम, उद्घाटन शुभलग्न मेष लग्न शुभम भूयात्। आंग्लदिन 9/10/2019। महाराजा मनोज शाह महाराज के खास मंत्री के द्वारा ये उनके प्रतिनिधि जो हमारी की भाषा है देसाई जी के अनुसार ये बद्रीनाथ जी के शुभ उद्घाटन का जो समय तिथि की घोषणा आपके द्वारा की जा रही है वो 9/10/2019 हमारे हिसाब से तो आज हम यहाँ पे तिथि की घोषणा हो गई है महाराज साहब के द्वारा और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी जो पुत्री हैं जो इस उसकी उत्तराधिकारी हैं महल की और इस परंपरा को जो निभाएंगी उनके द्वारा यहाँ पे गणेश आदि का सुपूजन करके जो बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की घोषणा है जो शुभ तिथि है वो 10 मई को प्रातः 4:15 में ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे और 24 अप्रैल को यहाँ से गाड़ू तेल का जो शुभ कलश है वो पूजित होकर के बद्रीनाथ जी के लिए रवाना होगा। उस तेल का जो उपयोग किया जाता है भगवान बद्रीनाथ जी का जो प्रातःकाल 4:00 जो महाभिषेक होता है उस तेल का उसमें उपयोग किया जाता है। सबसे पहले भगवान की श्री विग्रह पे उस तेल को लगाया जाता है और उसके बाद में अन्य वस्तुओं के द्वारा भगवान का पूजन अभिषेक आदि किया जाता है। सबसे पहले उस तेल को भगवान के श्री विग्रह में उसकी मालिश की जाती है, उसको भगवान के श्री विग्रह में लगाया जाता है। सबसे पहले वही तेल भगवान की पूजा में काम आता है। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही अपने प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।